रुक्मणी जल्दी से खाना खिलाओ, बड़ी भूख लगी। अरे क्या बात है, आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? सब खैरियत तो है रुक्मणी? क्या बताऊं प्रकाश। अरे बंटी चिंटू को तो कुछ नहीं हुआ ना? बंटी चिंटू को क्या होने वाला था? थैंक गॉड, मैं तो डरी गया था। हुआ तो है हिंदुस्तान के 90% बच्चों को। आज हमने किसकी रोटी फिल्म देखी। अच्छा, वेरी नाइस फिल्म, वेरी रियलिस्टिक, दिल को टच कर गया जी। रंगा, मुझे तो मालूम नहीं था हिंदुस्तान की ये हालत है। 90% लोग नहीं जानते हिंदुस्तान में सच्चाई क्या जी। अरे यही तो मैं कहना चाहता हूँ, पैरेलल सिनेमा की बात ही कुछ और है रुक्मणी। रंगनाथन, ये वो सच्चाई का कारतूस है जो सीधा दिल में उतर जाता है। जल्दी से खाना, तो बड़ी भूख लगी है। खाना नहीं बनेगा? क्यों, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो प्रकाश? हाँ मैं पूछ रहा हूँ। किसकी रोटी नहीं देखी तुमने? देखी ना। कहानी याद नहीं है तुम्हें? उस परिवार पे क्या बीती है? बाप बेकार, मिल में ताला लगा है, बेचारा नौकरी खो चुका है, बाप अपने बच्चों की भूख देख नहीं पाती, अपने आप को बेचने तक को मजबूर, और बच्चे बेचारे भूख से तड़पते हुए सूख कर कांटा हो गए। घर में सिर्फ एक ही रोटी, वो भी कुत्ता खा जाता जी। हाँ हाँ हाँ, मगर इस सब का मेरे खाने से क्या ताल्लुक है यार, ये तो सिर्फ फिल्म थी। करेक्ट, यही बात हम तुम्हें कह रहे थे प्रकाश। हाय प्रकाश। कौन है आप? नहीं पहचाने ना? अरे झा झा झा, लेकिन ये हुलिया तुम्हारा, हमारे कमिटमेंट का क्या होगा? अपनी लाइफ बन गई यार। लाइफ बन गई, यानी क्या तुम्हें नेशनल अवार्ड मिल गया? नहीं ना। तो फिर क्या कैंस में से तुम्हारी फिल्म निकल के कांस फिल्म फेस्टिवल चली गई? नहीं ना। तो ये देखो। अरे क्या ही है ये? मेरी नई पिक्चर का मुहूर्त कार्ड। कल मेरी पिक्चर का मुहूर्त है हवेली होटल में, म्यूजिकल लव स्टोरी, भाग चमेली चंबल में। झा झा झा, यानी तुम भी इन मसाला फिल्म के बहाव में बह गए झा? अरे ये तो शुरुआत है, अभी आगे एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बना रहा हूँ, टाइटल है कोना। फिर हमारे देश के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहरों की कठिनाइयां, उनकी समस्याओं का क्या होगा झा, क्या होगा? अरे 3 घंटे हमारी कोई भी फिल्म देखो, समस्या भूल जाओ। 3 घंटे बाद और कोई मसाला फिल्म देखो 3 घंटे तक, और समस्या भूल जाओ। हाँ, करेक्ट। ऐसे ही 3-3 घंटे पिक्चर देखते रहो, समस्या भूलते रहो। लेकिन कब तक? जब तक इन जैसे प्रोड्यूसर मिलते रहेंगे कोई समस्या नहीं। इन जैसे यानी? अपने इब्राहिम भाई। भाई प्रकाश। हाँ बताया था ना। लगता है मैंने कहीं आपको देखा है, किस फेस्टिवल में? ये जो हमारे घर आए थे चोरी करने, ये हैं। अरे वो मैं नहीं हूँ, अरे वो तो मेरा जुड़वा भाई है। हाँ। डबल रोल। अरे अरे शर्म नहीं आई उसी चोरी करने मेरे घर में घुसा हुआ चोर है? उसको चोर नहीं बोला, इस फिल्म का वो फाइनेंसर है। अरे वो पैसे देगा ही नहीं तो मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा? बाकी वो पैसे कहां से मिलाए, हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है? झा क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे आदमी के साथ मिलकर फिल्म बनाओगे, और वो भी मसाला फिल्म, तो फिर इस देश का क्या होगा?